देखना नहीं कि कौन कौन सा एक्टर है ना, फिर जैसे मैंने हाय ऑल वेलकम बैक टू माय चैनल अनु ब्लॉग्स हिंदी। तो वैसे मैंने बोला था कि मैं करवा चौथ पे ही ब्लॉग बनाऊंगी नेक्स्ट, बट लाइफ इज अनसर्टेन। अभी हम जा रहे हैं आज कहीं घूमने, तो हमें सोचा कि आपको भी चलो वहाँ दिखाते हैं। वो सुबह सुबह निकल लिए आज हम, बहुत अच्छा ठंडा ठंडा मौसम हो रहा है, तो हमने खिड़की खोल रखी है। आज हम आपको दिखाते हैं मुंबई की एक अद्भुत घटना, जहाँ पे रोड ये बिल्कुल खाली है दोस्तों। यहाँ पे एक बार में कम से कम 1000 गाड़ियां दिखाई देती हैं, जहाँ आज हम आराम से जा रहे हैं। सच्ची में आज भाई मुंबई खाली हो गई, सब चले गए अपने अपने घरों में छुट्टी में। तीन बाइक अलाउड ही नहीं है उसके ऊपर। मुंबई का ऐसा रोड देखने के लिए जन्म लगते हैं जन्म। ऐसे ही नहीं मिल जाता, पुण्यात्माओं को दिखता है ऐसा रोड। सीरियस। चलो भाई CST आ गए हम आज, ऐसे आए हैं कि जैसे बस ऐसे मक्खन वाले रोड पे आए आज हम। CST चर्च नहीं है वो, क्या ये CST है? हाँ तो ये सब। हम पहुंचने वाले हैं बलाड, और बलाड में बहुत आइकॉनिक बिल्डिंग्स है, बट देखते हैं अभी हम पहले ब्रेकफास्ट करेंगे या ऐसा वीडियो फोटो, लेकिन पहले ब्रेकफास्ट करते हैं। मीका को भूख लग रही है। मैंने फोटो में ऐसा देखा था कि लंदन जैसा लग रहा था, कभी कभार मूवीज में वो लोग दिखाते हैं ना, वो फोटो में कैसा लग रहा था। ओ गॉड, कैसी शूटिंग हो रही है? जल्दी आते हैं देख जाएं कब मिल जाता है। पर कौन है ये, किस चीज की शूटिंग हो रही है पता चल जाएगा। पैकिंग करे पर कोई हीरो हीरोइन तो दिख जाए यार। पता है मुंबई में रहकर मैंने आज तक एक भी हीरो हीरोइन नहीं देखा। अरे कौन है पहले देखे तो सही, पता तो चले। ये देखो ऐसे होता है, क्या होता है सेटअप। हाँ सब खाना पीना ये वो सब कुछ रहता है। ये देखो ये वैनिटी है किसी की भाई। हाँ पता नहीं कौन सा हीरो हीरोइन बैठा है इसमें, कोई आइडिया नहीं हमको। वहाँ पे कुछ तो शूटिंग चल रही, पर इनको जानते नहीं है हम एक्टर एक्ट्रेस को, और लगता भी नहीं है कि कुछ फेमस है ये, तो हम उनके साथ कोई फोटो वीडियो नहीं लेने वाले, क्योंकि ना हम जानते हैं और हमें नहीं लगता कि आप भी नहीं जानते होंगे। ये वैनिटी खड़ी है कोई अमन चावला इकबाल खान की है, पता नहीं कौन है ये। इनको ना गूगल फोटोज पे देखना नहीं कि कौन कौन सा एक्टर है ना, फिर जैसे मैंने खोला ना बोले अरे बाप रे ये तो बहुत बड़ा एक्टर है। बहुत बड़ा तो नहीं है पर हाँ अच्छा एक्टर है, मतलब इज अ गुड एक्टर। हाँ इकबाल खान नहीं नहीं मिले, मिलते हैं अभी। अब थोड़ी ना मिलेगा तुम्हें। मिलेगा मिलेगा, वहीं खड़ी है उसकी वैनिटी। इकबाल खान वो मूवी है उसकी कौन सी थी वो, जिसमें वो टाइम मशीन के थ्रू। ये अमन चावला है। इसको नहीं आते। इकबाल खान किसे मिल सकते हैं? हाँ इज गुड, मिलते मिलते हैं, जाते पूछते देखते, पता नहीं क्या मतलब हम। मैं भी क्या नई नई ब्लॉगर बनी ना, तो ऐसे नक 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 करने में थोड़ा मेरे को शर्म सी आती है, मतलब कई लोगों को नहीं आती पर मुझे तो आती है थोड़ी सी। वो इकबाल खान की वैनिटी के आगे जाके हमने उससे पूछा ना, मैंने कहा इसमें वो इकबाल खान है फंटोश वाला, तो उसने मना कर दिया। हाँ झूठी झूठी एक नंबर की झूठी, मना कर दिया उसने। अकेले हम ही थे इकबाल खान के साथ फ़ोटो खिंचवाने वाले, फिर भी मना कर दिया उसने हमसे। तो यहाँ पे ना वैनिटी वैंस और बसेस वगैरह ये सब बहुत आती हैं, इतनी शूटिंग चल रही है यहाँ पे, और हमारा गुड लक या बैड लक हमको कभी कोई एक्टर एक्ट्रेस देखने को ही नहीं मिलता है। मुझे इतने साल हो गए मुंबई में, लटकू भटकू की रहती, कुछ पोज दे आगे बस झुकती रहकर हमेशा। नहीं नहीं आज की एक्सक्लूसिव खबर, आर्यन खान कहाँ रुका हुआ था इतने देरों को, आओ चलते हैं। ये दिख रहा है ये नार्कोटिक्स बिल्डिंग है। सारे कैमरा मैन ना ए स्टैंड पे कैमरा लगा के सबने अपने अपने लिए जुगाड़ बनाई हुई थी, और ऊपर अपने छापा। हाँ यहाँ पर स्टैंड, ये नार्कोटिक्स डिपार्टमेंट है भैया। ये दिख रहा है ये यहाँ पे आया था आर्यन खान, ठीक है। और ये देखो आगे कैमरा मैन हो गया। हम जरा कुछ खा लेते हैं। प्यारी सी है, बिल्लियाँ प्यारी होती हैं, लेकिन कहाँ है इसको। आ जा तू, जा जा इधर से आ जाओ, कुछ खा लेते भाई। जब मैं टिफिन नहीं देती हूँ। आर्यन खान के लिए भी यहाँ से खाना गया था। आर्यन खान के लिए यहीं से खाना गया था दोस्तों, समझे। आर्यन खान इज द मोस्ट हॉट टॉपिक ऑफ दिस वर्ल्ड। दिख रहा है रेस्टोरेंट,
मैं वो पूछ रही है कि आर्यन खान को खाना यहाँ से क्या देते हैं, जेल में भी खाना देते हैं? भूखा थोड़ी ना मार डालेंगे बेटा उसको, हाँ जिंदा रखना है, जिंदा बच्चा ही है वो भी। हमारा ब्रेकफास्ट आ गया है, मैंने मंगाया इडली सांभर और चटनी। तो मैंने क्या, हम सब ने यही मंगाया है, हाँ यही है अभी यहाँ पे अवेलेबल। चलिए हम खा लेते हैं, ठीक है फिर और घूमते। फूट पे लाओ फूट फूट। चाय पी लेते हैं हम। मेरे से बात कर रही, मैं उसे म्याऊ कर रही हूँ, म्याऊ कर रही। बोलो भैया हम ना ऑफिस एरियाज में आके भी एंजॉय कर लेते हैं, यहाँ सारे ऑफिस हैं ना, बस बड़े बड़े ऑफिस हैं। इधर आओ ना तो मुंबई वाला एक्चुअली फील आता है। देखो पीछे क्या दिख रहा है आपको, तेरा एडिडास, तेरा वेरा मोडा, ओनली गुच्ची ना, फलाना ना, इमतारा एंड स्टारबक्स। हम तो गरीबों वाले मुंबई करें भाई, हम जा रहे थे वहाँ ये सब। चलो अभी हम मुन्ना भाई की सीढ़ियों पे चलते हैं, ठीक है? हाँ पापा क्या हो, पापा को तो ऑफिस में बैठना पड़ता है, पापा कौन सा रोज यहाँ घूमते फिरते हैं? नहीं नहीं जब खाने पीने का टाइम होता है तो खाना खाया ना, तेरे को तो अच्छा भी नहीं लगा वो, मुझे नहीं अच्छा लगा। अरे जब उनको फ्री टाइम होता था तो घूमने आ जाते होंगे ना? नहीं होता बेटा फ्री टाइम, ऑफिस में टाइम नहीं मिलता। पापा इसका हाथ पकड़ो, किसी को तो सब फोटो वीटो ही ले रहे हैं, फोटो वीडियो यही सब, हम भी इसी ले आए हैं। और मैं तो इस आस में निकली थी कि कोई हीरो हीरोइन कोई यूट्यूबर कोई कुछ दिख जाए, कोई नहीं दिखता। हो गया हमारा कार्यक्रम यहाँ का, हम जा रहे हैं यहाँ खड़ी मॉल। ओके सब वो मुन्ना भाई पे था ना डॉक्टर वाला सीन, दो शूटिंग शूटिंग शूटिंग। वो दिख रही गाड़ी, चार घंटे से वो यही चक्कर काट रहे। जैसे मैं एक एक सीन के लिए 10 बार शूट करती हूँ, वो भी यही कर रहे हैं। हम तो एक ही ड्रेस लेकर आए थे, मतलब जो पहन के आए थे यहाँ पे, जब लोग आते थे तो चार चार पांच पांच ड्रेसेस लेकर आते हैं चेंज करने के लिए, और अलग अलग पोजेज में फोटो खिंचाते हैं। शूटिंग वगैरह भी बहुत देखी आज, लेकिन हमको कोई मिलता नहीं है, एज यूजुअल आई टोल्ड यू। तो फिर वही है, वही हम यहाँ से जा रहे हैं, अब हम जा रहे हैं मॉल के सीधे। बेटा ये रहा अरेबियन सी, हाँ ब्लू ब्लू दिख रहा है आज तो, आज ब्लू है पानी पानी, अदरवाइज ये काला काला भी रहता है कभी कभी, मोस्टली ब्लू दिख रहा है अभी आज। यहाँ आने के बाद ना गरीब गरीब सी फीलिंग आ रही है, वो मुकेश अंबानी का घर नहीं था, वो नहीं था मुकेश अंबानी का घर, और ये गरीब गरीब सी फीलिंग आ रही है। हाँ उधर ही अच्छे हैं भाई, हाँ सीरियसली यहाँ तो मैं डिप्रेशन में बढ़ जाऊंगी। तो फिनिक्स मॉल आए हम परेल, और यहाँ पे एंट्री के लिए भैया सेकेंड डोज ऑफ वैक्सीनेशन ज़रूरी है, उसका सर्टिफिकेट और आईडी कार्ड। तो जब भी कोई आए इधर तो अपनी आईडी कार्ड रख के लाए, नहीं तो फोटो में कॉपी। हम मेरे को बहुत मुश्किल हुई ढूंढने में, मेरे पास नहीं था, मैं तो पर्स भी नहीं लाई। तो चलो मॉल खुलते से ही आ गए हम, कोई नहीं है अभी मॉल में, आज 10 ही लोग हैं, पता नहीं दुकानें भी खुली है कि नहीं। चलो मॉल कुछ इस तरह का है। देखने भी नहीं जाएंगे हम एम्बुलेंस में, घुसेंगे ही नहीं हम। मैं सेल या मीशो में से खरीदने वाली प्राणी हूँ, मैं नहीं खरीद सकती 4,000 रुपए की ड्रेसेस, सीरियसली। हम बाहर जा रहे हैं, हम बस ऐसे ही घूमने आए थे। सो वी आर ऑल टायर्ड ऑफ वॉकिंग वॉकिंग, हम बैठ गए डोमिनोज में। उसको भूख लग रही है, हमको भी लग रही है भूख। एंड दिस मॉल इज रियली 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 कॉस्टली, तो अभी सेल भी नहीं है, तो वी आर जस्ट ईटिंग एंड गोइंग बैक होम। गर्म है गरम तो दिख रहा है, ये है नहीं है नहीं, मैं तो खा गई, देखो मैं खा गई, आप नहीं खा पाए। आज एक्चुअली हम अकेले हैं यहाँ पर,
इसलिए हम ना कभी बदतमीजी के साथ बात भी कर सकते हैं और खा भी सकते हैं नहीं तो हमको ना बहुत सभ्य सुशील बन के बैठना पड़ता है। आज हम ना अमीरों वाली कॉफी पीने जा रहे हैं, अब मैं अंदर जाके ना इस तरह की हरकत कर नहीं सकती हूँ, तो मैं यहीं से बता देती हूँ। चलो चले, आज हम थोड़ा शो ऑफ करने के मूड में हैं। आज हम आए हैं अमीरों वाली कॉफी पीने। हाँ, एक कॉफी है ना 300-400 रुपए की मिलती है यहाँ पे। हाँ, मेरे को तो आइसक्रीम बनवा हम पगला रहे हैं यहाँ पे आके, हम पी के पता चलेगा अच्छी भी है कि नहीं। ये 300 रुपये की कॉफ़ी है, कॉफ़ी है। और जो मिल्का ये वाली, मिल्का वाली 400 रुपये की। एक गरीब आदमी का ना लंच होता है, डिनर भी हो जाए फिर वो पाएंगे। हम नहीं आएंगे अब दोबारा यहाँ पर। मिल्का को बहुत मज़ा आ रहा है इसकी कॉफ़ी पीने में, शी इज़ इंजॉइंग अ लॉट। 400 रुपये की कॉफ़ी, मैं बार बार पैसे गिना रही हूँ बट बिकॉज बहुत महंगी है भैया। और वो हमसे ये भी पूछ रही थी कि वुड यू लाइक टू हैव समथिंग टू ईट। एक तांबीरा वाला रेस्टोरेंट है, ऊपर सजावट में देखो सिलाई मशीन रखी है पुरानी है, बोरे रखे बोरे गिरगड़ी। आज हमने अमीरों वाली कॉफ़ी पी ली, बहुत अच्छी थी, बहुत टेस्टी थी। ओके, हाँ बहुत ही लंबी थी और प्राइस का मैं ऐसे मजाक कर रही थी। देखो होता है कभी कभी कोई अच्छी चीज़ की प्राइस हमको देनी पड़ती है, टेस्टी थी तो मज़ा आया हमको, है ना। अच्छी लगी ना मीका, मीका की तो आइसक्रीम वाली थी जो फ्रैपिनो, क्या नाम था, जो भी था थोड़ा जो भी था। ब्लॉग एंड नहीं कर रही मैं अभी। हाँ अभी रुको, एक चीज़ और दिखानी है आपको। हाँ, सीलिंग से जा रहे हैं हम। मैं कभी गई नहीं सीलिंग का, तो आज मेरा फर्स्ट टाइम है सीलिंग। बताते हैं को। Okay. तुम पहले रास्ता तो आपको हम बस वहीं उस रोड पे चलते चलते हम ब्लॉग एंड कर देंगे। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल व्हिच इज अनु ब्लॉग्स हिंदी। बाय। अभी देखना सीलिंग आएगा कहाँ से।